हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। काफ़ी दिनों बाद आपके सामने आ रहा हूं और पीछे जो टॉपिक मैं डिस्कस आपसे किया था वो काफ़ी था अभी गुलाब के ऊपर वर्कआउट करने के लिए, लेकिन अब चूंकि मौसम कुछ चेंज होने वाला है और मानसून आने वाला है, यहां भी अभी तूफान तो मौसम चेंज होने वाला है और अब बहुत ज़रूरत थी कि आपके लिए वीडियो तैयार करूँ ताकि मानसून में हमें क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, क्या सावधानी बरतनी है, कौन सी फीडिंग देनी है, ये सारी बातों पे आपके साथ चर्चा करनी थी। इसलिए वीडियो बनाना जरूरी था, आपके सामने आना बहुत ज़रूरी था। तो आज हम इसी टॉपिक पे आपके साथ बात, मानसून आने वाला है और कई जगह हमारे कंट्री में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे लगातार 10-15 दिनों तक बारिश होती रहती है। हालांकि दिल्ली में इतनी बारिश नहीं होती है, लेकिन वेस्ट बंगाल या नॉर्थ इंडिया के कई ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और मैं जैसा कि हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ कि गुलाब को पानी बहुत पसंद है, बारिश बहुत पसंद है, लेकिन बारिश में रहना इसको पसंद नहीं, यानी रूट पार्ट जो है वहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होने चाहिए। ये हमें जरूर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग जो सॉयल में अगर गुलाब उगाते हैं और ऐसा कोई चांस अगर है कि पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है, बहुत आसानी से पानी नीचे ड्रेन आउट नहीं होता है, तो वैसे केस में जो लोग गुलाब अपने उगा रहे हैं उसको थोड़ा टिल्ट करके रख दें बारिश के मौसम में, ताकि गुलाब में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो, तो उससे बचना पड़ेगा। जो लोग सिंडर में गुलाब उगा रहे हैं, अगर रूट बाउंडिंग हो गई है तो वहाँ से भी पानी निकलने का चांस बहुत कम रहता है, ड्रेन आउट वाटर का ड्रेन आउट प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में आप गमले को थोड़ा टिल्ट करके रख सकते हैं जब बहुत ज़्यादा कई दिनों तक लगातार बारिश हो रही है, तो इस तरीके से आप अपने गुलाब में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको ये सबसे पहले ध्यान देना होगा कि आपके गुलाब में, चाहे वो ज़मीन में हो या गमले में हो, पॉट में हो, किसी में भी गुलाब अगर लगा हुआ है तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आएगी तो रूट रॉटिंग की भी प्रॉब्लम आएगी, और रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली प्लांट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा और आपका प्लांट मर भी सकता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा कि आपके प्लांट के आसपास, चाहे ज़मीन में प्लांट हो या पॉट में हो, जो पत्ते हैं वो इकट्ठे ना हो या किसी और तरह की गंदगी इकट्ठी ना हो आपके प्लांट के आसपास, नहीं तो इससे फंगस फैलने का चांस आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर एक बार फंगस फैल गया आपके प्लांट के अंदर, तो कई ऐसे फंगस हैं जो कई तरह की बीमारी आपके प्लांट के अंदर पैदा कर सकते हैं, तो किसी भी तरह का फंगस अपने प्लांट के अंदर हमें फैलने नहीं देना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने प्लांट के आसपास सफाई रखें, और बारिश में इस चीज़ पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, जो लोग अपने प्लांट को शिफ्ट करना चाहते हैं, जो कई दिनों से छोटे पॉट में अपने प्लांट को रखे हुए हैं, वो अपने प्लांट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बड़े पॉट में। ये बहुत अच्छा मौसम है प्लांट को ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि बादल छाए रहेंगे, बारिश होती रहेगी, तो प्लांट के स्ट्रेस में जाने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो जब आप देखते हो कि बारिश हो रही है और मौसम अच्छा बना हुआ है बारिश वाला, तो ऐसे में आप अपने प्लांट को बड़े पॉट में शिफ्ट भी कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बहुत हाई रहा, टेम्परेचर 45 से 49 डिग्री सेल्सियस तक कई शहरों में गया, और इतने हाई टेम्परेचर में जो हमारे गुलाब हैं वो पार्शियल डोरमेंसी में चले जाते हैं। फ्रेंड्स, पार्शियल डोरमेंसी में जाने का मतलब है कि प्लांट हमारे सो जाते हैं, आधे सो जाते हैं, तो ऐसे में वो फीडिंग लेना बंद कर देते हैं, वो ग्रोथ लेना बंद कर देते हैं। अब मानसून का समय आ रहा है, मानसून आने वाला है, तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। आप ये समझ लें कि हमारे ये एक बहुत अच्छा माहौल बन रहा है हमारे प्लांट के लिए और हमारे गुलाब के प्लांट के लिए, और इस समय प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ लेंगे अगर आप प्रॉपर ढंग से केयर करेंगे और इनको प्रॉपर फीडिंग करेंगे। चूँकि फीडिंग हम रोक देते हैं जब ये पार्शियल डोरमेंसी में होते हैं, तो हम फीडिंग रोक देते हैं, हम कुछ भी खाना इनको नहीं देते हैं, और अब जब बारिश का मौसम आ रहा है तो हम एक फीडिंग स्टार्ट करेंगे। वो जो फीडिंग शेड्यूल है मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, मैं कि क्या फीडिंग और कैसे देनी है वो मैं आपको बता दूंगा। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा हमें बढ़ानी है,
तो अब ये जो समय आ रहा है बारिश के मौसम में, जो ये माहौल बन रहा है, तो ऐसे में हमारे प्लांट ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देंगे। और आपको जानकर ताजुब होगा कि मॉनसून में जो महाराष्ट्र पुणे में एक मॉनसून रोज शो भी होता है, तो आप ये इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉनसून हमारे प्लांट के लिए कितना फेवरेबल है। और इसमें फ्लावर्स भी बहुत अच्छे आते हैं, सूट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एक बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होता है हमारे गुलाब के लिए मॉनसून। लेकिन ये फेवरेबल कंडीशन तभी है जब आप वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम अपने प्लांट के अंदर नहीं होने देंगे। अगर आप प्लांट के अंदर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम अगर ख़त्म नहीं किए, तो ये फेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल हो जाएगा हमारे प्लांट के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि रूट रोटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है और हमारे प्लांट मर भी सकते हैं। तो हमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होने देनी है अपने प्लांट के अंदर, ये बहुत खास तौर पे ध्यान देनी है। अगर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आप नहीं होने देंगे अपने प्लांट के अंदर, तो आपके प्लांट बहुत खुश रहेंगे, बहुत अच्छा ग्रोथ लेंगे और फ्लावर्स, कई जगहों पे फ्लावर्स भी बहुत अच्छे आते हैं मानसून में। जहाँ तक फंगीसाइड और इंसेक्टीसाइड की बात है, तो जब नए सोर्स निकलते हैं तो थ्रिप्स की भी प्रॉब्लम आई है। हालांकि जब बारिश बहुत होती है तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है कि जो कीड़े मकोड़े हैं या जो माइट्स वगैरह जो हैं वो बारिश में धुल जाते हैं, सारे साफ हो जाते हैं, जितने कीड़े मकोड़े हैं सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो नए सोर्स आते हैं उस पर थ्रिप्स अटैक कर सकते हैं। बारिश के मौसम में चूंकि नमी बनी होती है, तो आपके प्लांट के अंदर स्केल की प्रॉब्लम आ सकती है। जो तीसरी प्रॉब्लम आ सकती है कि कई तरह के फंगस आपके प्लांट के अंदर लग सकते हैं, क्योंकि जहां पे नमी होती है फंगस लगने का वहां चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो यानी कि हमें अपने प्लांट्स को फंगस से बचाने हैं, हमें अपने प्लांट्स को स्केल से बचाने हैं, हमें अपने प्लांट्स को थ्रिप से बचाने हैं। तो ये तीन चीज़ों से हमें बचाने हैं और इन तीन चीज़ों का हमें इलाज करना पड़ेगा। अब अगर थ्रिप्स और माइट्स की बात करें, तो थ्रिप्स और माइट्स के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपके पास एक्सोडस है, हालांकि थोड़ी महंगी दवा है। अगर एक्सोडस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जर्मन टेक यूज़ कर सकते हैं, जर्मन टेक नहीं है तो आप काका यूज़ कर सकते हैं। अगर काका भी नहीं है तो आप अपने किसी भी फर्टिलाइजर शॉप पर जाइए और स्पेसिफिकली ये पूछिए कि थ्रिप्स के लिए आपके पास आपके एरिया में जो फर्टिलाइजर शॉप है वहाँ पे क्या अवेलेबल है, वो आप यूटिलाइज कीजिए, वो आप यूज़ करें अपने गुलाब के अंदर। जो स्केल की प्रॉब्लम है, इसकी दवा मिलनी मुश्किल होती है। स्केल के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, एक मेलाथियन है 50 रुपये की ये सीसी है। मेलाथियन को आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से हर हफ्ते अपने प्लांट के अंदर के ऊपर स्प्रे करते रहेंगे, तो मेलाथियन कभी आपके प्लांट के अंदर मेलाथियन आपके प्लांट के उधर कभी भी स्केल लगने नहीं देगा। यानी ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। तो अगर अपने प्लांट को आपको बचाना है स्केल से, तो मेलाथियन 2 ml पर लीटर के हिसाब से अपने गुलाब पे हर हफ्ते स्प्रे जरूर करें, तो ये आपके गुलाब के अंदर में स्केल की प्रॉब्लम कभी आने नहीं देगा। अगर आपके गुलाब के अंदर स्केल की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो आप अल्कोहल लेकर ब्रश से वहाँ पे साफ करें तो वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद मेलाथियन आप समय समय पे यूज़ करते रहें, हफ्ते में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा स्केल है तो, अगर बीमारी लग गई है तो फिर आप ये इससे आपके गुलाब के अंदर जो स्केल की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। बात करें फंगीसाइड की, तो ये फंगस लगने का चांस बहुत ज़्यादा है गुलाब के अंदर बारिश के मौसम में। अगर पत्ते बहुत ज़्यादा प्लांट के आसपास गिरे हुए हैं या वाटर लॉगिंग की कहीं से भी प्रॉब्लम आ गई प्लांट के अंदर, तो फंगस लगने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो रेडोमिल वगैरह हैं या साफ है या कई और फंगीसाइड हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ करें। रूट जोन में आप रेडोमिल 1 ml पर लीटर के हिसाब से रूट जोन में भी आप डाल सकते हैं प्रिकॉशनरी, और आप अगर स्प्रे कर रहे हैं तो 1.5 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से फंगीसाइड आप अपने प्लांट के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। और आप मेलाथियन के साथ भी फंगीसाइड मिलाकर अगर स्प्रे करें, 2 ml मेलाथियन लें, 1 ml आप कोई भी फंगीसाइड उसमें मिलाकर स्प्रे करें, तो वो दोनों ही सारा काम, एक स्केल की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी
और दूसरा आपके प्लांट के अंदर कोई फंगस भी नहीं लगेगा। तो ये आपको थ्रिप्स की जो स्केल है उसकी और फंगस की, ये तीन चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ेगा, और तीनों का मैंने उपाय बता दिया कि आपको किस समय पे क्या करना है और किस मात्रा में करना है। फ्रेंड्स, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हमें गुलाब की रिपोर्टिंग कब करनी चाहिए। ये समय आ गया है गुलाब की रिपोर्टिंग करने का, लेकिन मानसून के स्टार्टिंग में अपने गुलाब की रिपोर्टिंग आप कभी नहीं करें। जब मानसून जा रहा होता है, जब मानसून खत्म होने वाला होता है, तब आप अपने गुलाब की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसफर अगर प्लांट को छोटे पॉट से बड़े में शिफ्ट करना है तो आप मानसून में कभी भी कर लें, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है, चूंकि रिपोर्टिंग में हमें रूट की प्रूनिंग की जाता है, हम करते हैं, अगर रूट की प्रूनिंग करते हैं और अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी कहीं से इकट्ठा हो गया, तो उस केस में रूट रॉटिंग हो जाएगी, आपके प्लांट में नए वाइट रूट्स नहीं आएंगे और प्लांट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, उसमें डाईबैक लगना शुरू हो जाएगा और आपका प्लांट खत्म हो जाएगा। तो जब मॉनसून जा रहा होता है, मॉनसून के लास्ट स्टेज में आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर आप पूरे मौसम में कभी भी कर सकते हैं। जो नए गुलाब लगाना चाहते हैं, वो कहीं से भी गुलाब अगर लेकर आ रहे हैं, तो मॉनसून इज द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ न्यू रोज। नया गुलाब लगाने के लिए मॉनसून बहुत अच्छा समय है। 1.5 से 2 महीने में आपके प्लांट के अंदर फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं मॉनसून के टाइम में, तो मॉनसून बहुत अच्छा समय है नया गुलाब लगाने के लिए। तो दोस्तों, जो मैंने आपको बातें बताई हैं और जो प्रिकॉशंस लेने के लिए आपको कहा है, वो प्रिकॉशंस आप लेते रहें। जो इस समय गुलाब के कुछ पत्ते पीले होकर गिरते हैं या कुछ प्लांट के ऊपर जो पत्ते पीले हैं उनको आप हटा दीजिए इमीडिएट। वो गुलाब के आसपास इकट्ठे नहीं होने चाहिए, नहीं तो फंगस ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं आपके गुलाब के अंदर। और जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बोला है वो देते रहिए। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसमें आपको कब और क्या फीडिंग करनी है और किस मात्रा में फीडिंग करनी है, वो सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और अब हमें बड़ा खुश होना चाहिए कि जो हमारा गुलाब का जो टफ टाइम था, जो एक बहुत एक डिफिकल्ट फेज था हमारे गुलाब के लिए, वो निकल चुका है। और बारिश का मौसम और मानसून गुलाब को बहुत पसंद है, जो अब आने वाला है, बहुत जल्दी अप्रोच कर जाएगा, कई शहरों में पहुंच जाएगा, और कुछ महीनों बाद ट्रिमिंग और प्रूनिंग का भी टाइम आ जाएगा। तो ये ले देकर अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा माहौल आने वाला है हमारे गुलाब के लिए। इसको हम सेलिब्रेट करें और अपने गुलाब का ख्याल रखें। आगे आने वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरह से क्या फीडिंग करनी है। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, एंड कीप ब्लेसिंग्स।